तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक न्यू गेम प्ले में जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर 2। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है नोबिता, शिजुका, डोरीमोन की। तो यहाँ पे शिजुका किडनैप हो जाती है, लेकिन डोरीमोन को बिल्कुल नहीं पता रहता कि किडनैप करके कौन ले गया शिजुका को। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ग्रैनी आई थी और अपनी दुनिया में ले गई शिजुका को किडनैप करके। तो यहाँ पे बचाना होगा। तो नोबिता काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और परेशान हो जाता है। डोरीमोन से बोलता है, डोरीमोन तुम कुछ करो, शिजुका को बचाना होगा। तो वो बोलता है, हमें जाना होगा ग्रैनी के हाउस में, यानी कि घर में। वहाँ पर जाने बाद हमें शिजुका को बचाना होगा। तो यहाँ से हम निकलते हैं सीधा ग्रैनी के हाउस में। डोरीमोन, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बहुत डरावना रूम है, इसके अंदर मुझे घुटन सी महसूस हो रही। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या हम यहाँ से ज़िंदा वापस जा पाएंगे? डोरीमोन बताओ ना, मुझे ज़िंदा रहना है, शिजुका को भी बचाना होगा। हाँ नोबिता, हम यहाँ से ज़िंदा वापस जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो ये ग्रैनी सुन लेगी ना, तो हमें यहीं पे ख़त्म कर देगी। तो हमें मिल चुके हैं बोट, लेकिन इसके अंदर हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी और हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी और भी बहुत सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें ये सामान घर के अंदर मिलेगा, तो हमें बहुत सावधानी से सब सामान को ढूंढना पड़ेगा। चलो सीढ़ी पे आगे, यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलो धीरे धीरे चलो, हमें आवाज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर हमने आवाज़ की तो हमें यहीं पे मार दिया जाएगा। ठीक है डोरीमोन, मैं आवाज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, ये बहुत ख़तरनाक जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हमें एक चीज़ तो मिल गई, चलो यहाँ से भागो, चलो हम नीचे जाते हैं, इसको हम बोट में लगा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डरावना है। ये क्या, ग्रैन पा आ गए, भागो जल्दी भागो। हमें पता था ये हमारा पीछा ज़रूर करेगा, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए दूसरे दरवाजे से। देखता हूँ इसके अंदर क्या मिलेगा। तो हमें ये फालतू चीज़ नहीं चाहिए बिल्कुल, ये क्या ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। तो हमें यहाँ से बहुत तेज़ी से भागना चाहिए ऊपर की तरफ, कहीं ऊपर ना हो ग्रैनी, अगर ऊपर होगी ना तो हमें मार के ख़त्म कर देगी। फटाफट सब दरवाज़ा खोल के देखते हैं भाई अंदर क्या चीज़ मिलेगा। तो हमें मिल चुका है क्रोबार। तुम यहाँ पर शिजुका को बचाने आए हो, लेकिन तुम यहाँ से दोनों जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम यहीं पे मार के ख़त्म कर देंगे, तुम बाहर का दरवाजा भी नहीं देख पाओगे। डोरीमोन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से वापस जाना है डोरीमोन, मुझे शिजुका को बचाना होगा। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं डोरीमोन। ये क्या है डोरीमोन, पेट्रोल है क्या डोरीमोन? हाँ नोबिता, ये पेट्रोल है, हम इसे डालेंगे बोट के अंदर। अंडर डालने के बाद और भी बहुत सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि की बोट की, तो हमें बोट की भी ढूंढना पड़ेगा। चलो देख लेते कहाँ पे मिलेगा सारे सामान। तो हम हर घर को छान मारेंगे, एक एक कोना को भी नहीं छोड़ेंगे, जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलो हम यहाँ से सीधा ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने के बाद कहीं ग्रैंडपा ना हो। डोरीमोन, डोरीमोन, तुमने क्रोबार कहाँ पे छोड़ा? उसको लेकर हम नीचे चलते हैं ना, वहाँ पे भी एक डब्बा पड़ा है, उसको भी खोल लेंगे, शायद उसके अंदर हमें कुछ मिल जाए। चलो हम इसे ले कर नीचे जाते हैं, शॉर्टकट जाते हैं, कहीं हमें ये पीछा ना कर दिया। बढ़िया, बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लगता है सच में। कोई नहीं, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो फटाफट भागो डोरीमोन, मुझे बचा लेना, मुझे गैजेट निकालो डोरीमोन। नोबिता, हम कोई भी गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी पॉकेट चोरी हो गई है जो कि ग्रैनी ने चुरा लिया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बिना गैजेट के काम करना होगा। हमारे पीछे है ग्रैंडपा, तो हमें छुपना होगा फटाफट। डोरीमोन, ये ग्रैंडपा हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया था, अच्छा हुआ हम बच गए और अच्छे जगह पे जाके छुप गए, ये हमें देख भी नहीं पाएगा, ये इधर उधर देख के चला जाएगा। जी महारानी, जैसे आप बोले, मैं उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन वो भाग जा रहे हर बार, मैं हर बार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं जाके छुप जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा रानी। डोरीमोन, हमें ग्रैनी ने देख लिया, हमें ऐसे भागना होगा, नहीं तो ये हमारा पीछा करके हमें नहीं छोड़ेगी। चलो हम देख लेते हैं और हमें क्या मिलेगा, चलो पूरा सामान को छान मारते हैं, शायद हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए जिससे हम यहाँ से भाग सकें। चलो इसको खोल के देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये हमें बाद में काम आएगा, चलो हम इसको भी खोल लेते हैं ताकि हम यहाँ से भाग लें। ठीक है नोबिता, हम सारे कोने कोने के छान मारेंगे, शायद हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जिससे कि हम यहाँ से भाग सकें। चलो इसके अंदर क्या मिलेगा भाई, चलो हमें मिल चुका है वेपन की। तो गेम काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है, तो हमें वेपन को लेना होगा ताकि ये ग्रैनी को हम एक गोली में सुला सकें, जो कि 2 मिनट के लिए सो जाएगी। इसने हमें देख लिया, भागो यहाँ से, पहले तो हम जाएंगे वेपन लेने के लिए। वेपन लेने से पहले हमें कोई मार ना दे, नहीं तो हमारा एक मिशन फेल हो जाएगा और ये हमें 5वें दिन ख़त्म कर देंगे। तो हमें उससे पहले भागना होगा यहाँ से,
तो चलो देख लेते भाई ये क्या चीज़ है। चलो हमने सीक्रेट दरवाज़ा को ओपन कर दिया। ओपन कर देने बाद ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। चलो हम ले लेते वेपन। वेपन लेने बाद हम सीधा खोपड़ी उड़ा, हाँ डोरेमोन हम उसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। वो बुढ़िया के दांतों में बहुत सारा खून लगा हुआ है, पता नहीं ब्रश करती होगी कि नहीं करती होगी, शायद हमें भी मार के खा जाए डोरेमोन, लेकिन हमें बहुत सावधानी से मारना होगा। मारो डोरेमोन। अब हम बुढ़े को मारेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगी सिक्योरिटी की। तो कहाँ पे है ग्रैंडपा, चलो हम उसे ढूंढते हैं। वहीं पे जाके खड़ा हो गया होगा जहाँ हमने ग्रैनी को मारा था, लेकिन ग्रैनी गायब कहाँ होगी भाई, ये तो जादू हो गया। चलो देख लेते भाई, जल्दी काल भाई सिक्योरिटी की, तेरा कुछ काम नहीं है, तेरे गले में कोई लटका के रखा है, भागो यहाँ से। नहीं डोरेमोन, डोरेमोन तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, उसे सिक्योरिटी की ले ली। चलो हम सिक्योरिटी की से दरवाजे खोलते हैं, शायद हमारे अंदर कुछ मिल जाए, बहुत अच्छी चीज जिससे कि हम यहाँ से भाग सके। चलो इसे खोलते हैं। खोलो ना, खोल गया, चलो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी तो हमने इसे ओपन तो कर लिया, लेकिन हमें ऊपर जाना होगा, जो हमने सामान इकट्ठा किया था यहाँ पे लाना होगा। तो हम इसे शॉटगन से ओपन करते हैं इस दरवाजे को। चलो क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने बाद ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। चलो ओपन हो जाने बाद हमने ये कटिंग ले लेते हैं जिससे कि हम वो दरवाजे को खोल सके। चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर जाना होगा। यहाँ पे हमें कोई भी खतरा नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रैनी नहीं आने वाली, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है नोबिता, और तुम यहाँ पे चिल्लाना बिल्कुल नहीं ना, ठीक है। तो देख लेते भाई यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिला। ये क्या मिला भाई, सेब की, ये तो बहुत बेकार है, कुछ काम की नहीं। चलो देख लेते भाई कहीं काम आ जाए हमारे। चलो नीचे ले चलते इसको भी, लेकिन हमने अपनी गन को यहीं पे छोड़ दिया, तो बहुत आराम से जाना होगा। ये कौन सा हैंडल है भाई, ये हैंडल हमारे काम आ सकता है कि नहीं आ सकता, शायद ये बोर्ड का हैंडल नहीं है। चलो देख लेते भाई काम आ जाए, शायद ये नीचे आ गए, लेकिन अभी तक तो हमें कोई भी नहीं मिला है। चलो अच्छी बात है, अभी तक हमें कोई भी एक भी बार नहीं मार पाया, क्योंकि हम बहुत ख़तरनाक तरीके से खेले नोबिता। हाँ डोरेमोन तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छा खेल लेते हो। चलो ना डोरेमोन और भी सामान ढूंढते हैं जिससे कि हम यहाँ से भाग सके, लेकिन हमें सिजुका को बचाना होगा। सिजुका कहाँ पे छुपी, हम उसे बचा लेंगे डोरेमोन। क्या तो सिजुका को बचाएगा, तो यहाँ से जिंदा वापस जाएगा तब ना सिजुका को बचाएगा। मारे बुढ़े, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, इसे खत्म कर दे बुढ़े। जी रानी साहिबा, जैसे आप कहे हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन ये पकड़े नहीं जाते रानी साहिबा, हमारी टांगों में भी बहुत दर्द है रानी साहिबा, लेकिन हम इसे पकड़ लेंगे रानी। इसने हमें बहुत जोर का झटका दे दिया जिससे कि हमारा एक दिन खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा आधा काम हो चुका है। हमने आधे सामान को सीढ़ी पे फेंक दिया है जहाँ से हम आसानी तरीके से ले सकते हैं सामान को। क्या हम यहाँ से ज़िंदा वापस जा पाएंगे, चिजुका को बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे। हाँ डोरेमोन, हम यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे डोरेमोन, तुम चिंता मत करो, तुम हार मत मानो डोरेमोन, तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो डोरेमोन। चलो हम यहाँ से नीचे जाते, चलो नीचे जाने बाद हमें कुछ शायद मिल जाए। चलो अंदर जाते हैं डोरेमोन, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है डोरेमोन। तो हम इसके अगले पार्ट में सिजुका को बचाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।